पिछले अंक में आपने सुना था कि संतोष का मैट्रिक का रिजल्ट आता है और वह उसमें प्रथम डिवीजन से पास कर जाता है उसे, और फिर उसे मेडिकल में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत होती है, तो वो कोटा के लिए रवाना हो जाता है। और अभी वह कोटा जंक्शन पर पहुंचा ही था, तो चलिए अब आगे सुनते हैं संतोष की कहानी, उसी की जुबानी। अब मैं कोटा पहुंच चुका था, या यूं कहें मेरे जीवन का एक नया अध्याय यहां से लिखने वाली थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे मौसा जी का लड़का यानी सूरज भैया मुझे लेने कोटा जंक्शन आ गए। समय वही कोई शाम का 7 बज रहा था। हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले और ऑटो स्टैंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक ऑटो वाले भैया आ गए और उन्होंने बहुत ही मीठे स्वर में हमसे बोला, भैया कहाँ जाना है आपको, चलिए मैं ले चलता हूँ। फिर सूरज भैया बोले, भैया हमें तो जवाहरनगर जाना है, कितना लोगे? ऑटो वाले भैया ने फिर से बड़े ही मीठे ध्वनि में बोला, आप दोनों का मिला के मुझे 300 दे देना, वैसे तो 350 लगता है। फिर सूरज भैया बोले, 150 में चलोगे? उन्होंने बोला, भैया 150 तो नहीं लेकिन 250 दे देना। फिर वो हमारे बैग को उठाकर ऑटो की तरफ बढ़ने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल पड़े। कुछ ही मिनटों में उसके ऑटो में हमारा सामान लद चुका था और हम भी उस ऑटो में बैठ चुके थे, और वो ऑटो स्टार्ट करके जवाहर नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने हमसे पूछा, भैया आप कहाँ से हो? हमने बोला, मैं बिहार से हूँ। और फिर उन्होंने बोला, लगता है आप मेडिकल की तैयारी करने आए हो, चलो अच्छा है। और ये बात कहते कहते उसने एक छोटा सा पुर्जा हमारे हाथ में थमा दिया और बोला, भैया इस पे हमारा नंबर है और नाम है, जब कभी भी ऑटो की ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें बेझिझक कॉल कर लेना, हम हमेशा अवेलेबल हैं। ये बात उसके कहते ही हम लोग चुपचाप वो पुर्जा अपने जेब में रख लिए। और फिर वही कहीं 30 या 35 मिनट का सफ़र तय करके स्टेशन से जवाहर नगर भैया के रूम पे जा पहुँचे। टाइम 8 बज चुका था। भूख भी बहुत जोर की लगी थी क्योंकि 2 दिनों से ट्रेन का खाना खा रहे थे, और आपको भी पता है कि ट्रेन का खाना कैसा होता है। रूम पहुंचते ही भैया बोले, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, और फिर फ्रेश होने के बाद खाना खाने चलते हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपना रूम का लॉक खोला। जैसे ही उस रूम को देखा, मैं घर के रूम से इस रूम को मन ही मन में तुलना करने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात बार बार चमक रहा था कि पूरी दुनिया से दूर इसी 6x6 के कमरे में मुझे 2 साल तक कड़ी मेहनत करना है, खुद को इतना तपाना है इस 6x6 के कमरे में कि जब सुबह उठूं तो नाश्ता में ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर, दोपहर के खाना में फिजिक्स का फॉर्मूला और रात में बायोलॉजी के लाइंस ही सिर्फ मुझे याद है। वो कहते हैं ना, कुछ पल के लिए मैं खो सा गया था। फिर मैं अपने बैग को रखा, वॉशरूम चला गया एक टॉवेल लेकर, और फिर नहा के निकला। भैया बोले, तो फिर चलो खाना खाने चलते हैं।
बगल में ही मेस है। हम दोनों खाना खाने चले गए। खाना खा के जैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास मुंह को लगाया, अजीब सा टेस्ट आ गया। मानो ऐसा लगा किसी ने हमारे पानी के ग्लास में क्लोरीन डाल दिया हो। और झट से मैंने उस ग्लास को मुंह से हटा टेबल पर रख दिया। और भैया ये सब चुपके से देख मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने बोला, अब आदत बना लो, धीरे धीरे यही पानी पीना होगा यहाँ, और वो भी एक दो दिन नहीं, पूरे 2 साल। और फिर वो पानी पीने लगे। फिर हम दोनों बाहर निकल के भैया के साथ पीजी के तरफ चल पड़े। जैसे ही पीजी पहुँचे, वहाँ पीजी वाले अंकल भैया के कमरा के सामने खड़े थे। और वो बोले, सूरज जरा इधर आना, यही है तुम्हारा भाई जो तुम्हारे बगल के कमरे में रहने आया है। भैया बोले, हाँ अंकल यही है। फिर पीजी वाले अंकल मेरे इधर देखते हुए बोले, बेटा कोई दिक्कत हो जरा सा भी तो मुझे बताना, और हाँ यहाँ नॉन वेज मत लाना, अगर खाना हो तो बाहर ही खा लेना, और क्या, और बस यही कहूँगा कि महीने के 7 तारीख तक किराया दे देना। फिर भैया बोल पड़े, अरे अंकल मैं भी 1 साल से यहीं रहता हूँ, मुझे सब पता है, और ये मेरा भाई है, मैं इसे बता दूँगा। और ये कहते हुए भैया मेरे तरफ इशारा किए कि अब बढ़ो, और इशारा करते हुए हम दोनों रूम की ओर बढ़ पड़े। मैं रूम के दरवाजे पर पहुँचा, भैया ने रूम का गेट खोला, फिर हम लोग रूम के अंदर जाए और जा कर के सो गए। सुबह 6 बजे उठा तो देखा भैया पहले से ही उठ के पढ़ रहे हैं, और बोले, सुबह 3-4 बजे उठने की आदत लगा लो, नहीं तो नीट कैसे निकाल पाओगे। वैसे भी डॉक्टर बनने के बाद कभी भी किसी भी समय जगना पड़ सकता है जैसे ही कोई इमरजेंसी आए, तो अब नीट के साथ साथ इस सब का भी तैयारी कर ही लो तो अच्छा होगा। और ये सब बोलते बोलते वो ये भी बोल पड़े, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया शायद, अच्छा जाओ ब्रश कर लो, थोड़ी देर में चलेंगे नाश्ता करने, आज कुछ नया खिलाते हैं तुम्हें। फिर मैं ब्रश करके आया तो हम दोनों नीचे गए और भैया ने मुझे कचौड़ी और पोहा खिलाया। सच में मैं उस दिन पहली बार कचौड़ी खाया था। कचौड़ी को खाते ही मानो मैं इसका दीवाना हो गया। कचौड़ी खाने बाद भैया बोले, देखो भाई तुम जो यहाँ आए हो नीट की तैयारी करने, और तुम जानते हो कि नीट में हर साल 16 लाख बच्चे अपियर होते हैं, और हर साल ये आंकड़ा 1-1.5 लाख ऊपर ही चढ़ता चला जा रहा है, और सरकारी कॉलेजेज में सीट कितनी है तो बस कुछ हज़ार, तो एक बात दिमाग में फिक्स कर लो कि अब यहाँ से जितना भागोगे उतना आगे जाओगे रैंक टेबल में, बस ध्यान रखना इतना भी तेज मत भागना कि गिर ही जाना, और तुम्हारा कल से ये सफ़र शुरू भी तो हो रहा है। हाँ इस सफ़र को एक अच्छे सारथी की तरह तय करना। हम लोग रास्ते पे बात करते करते अपने पीजी की तरफ बढ़ रहे थे। 2 ही दिनों में सूरज भैया का पीजी अब हम दोनों का पीजी हो गया था, क्योंकि मैंने भी जो उस पीजी में एक कमरा ले लिया था। उतना मुझे कोटा में बीते कुछ ही पलों में इतना तो ज़रूर ज्ञात हो गया था कि यहाँ से सफ़र आसान नहीं होने वाला है, और सूरज भैया ने भी अपने सीखे सिखाए हर बात को एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे बता रहे थे। बातें करते करते हम रूम में पहुंच चुके थे। हम दोनों पीजी के बालकोनी में जाकर बैठ गए और उनके हाथ में 12th का बायो का एनसीईआरटी का बुक रखा था, और उस बुक को देख के मानो ऐसा लग रहा था इसके लाइन बाय लाइन किसी ने ऑपरेशन करके एक एक वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लिया हो। मैं ये सब देख के एक बात को ज़रूर समझ गया था कि मैं जिस रास्ते पे चलने का फैसला किया हूँ वो उतना भी आसान नहीं है जितना मुझे लगता था। चैलेंज बहुत ही बड़ा दिख रहा था,
परंतु मैं भी ठान लिया था जितना भी बड़ा चैलेंज हो उससे भी बड़ा और उससे भी मजबूत खुद को तैयार करूंगा, ताकि नीट के इस जंग में बैठने के बाद मुझे कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का सवाल मुझ पे तोप बन के हावी न हो सके। मैं ठान लिया था कि खुद को इतना तैयार करूंगा कि हर एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल, हर एक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का फॉर्मूला मुझ पर जब बरसे तो मैं उसे अपने प्रैक्टिस नामक सफ़र से भेद दूंगा। हर उस चक्रव्यूह का जो ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर से बना है उसे भेद दूंगा। मैं मन ही मन में इतना सोच ही रहा था कि इतने में ही भैया को एक कॉल आया और पता चला कि भैया के बैचमेट और उनके बहुत ही करीबी दोस्त ने सुसाइड कर लिया है, जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। अब आगे का कहानी अगले अध्याय में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।